यार मुझे याद आया मेरी सहेली खो गई थी यहाँ, मेरी फ्रेंड गुम हो गई थी। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही, मेरी फ्रेंड खो गई थी यहाँ पर। पूछो कौन है वो, बताती हूँ वो चीटी है। क्या? हाँ जी, लेक की पार्किंग है ये आप देखोगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। मेरे चैनल पे क्रेजी ट्यू, मैं हूँ अंजू यादव। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, घर में सब बढ़िया होंगे। मैं कैसी हूँ, मैं बिंदास चकाच जैसे हमेशा हूँ वैसी बहुत अच्छी हूँ। आज हम आए हैं संजय लेक, जो कि लक्ष्मीबाई नगर में पड़ता है। काफ़ी अच्छा है, मतलब फूल देख रही हूँ, कलरफुल फूल है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। अच्छा, गार्डन से याद आया, मैं मेट्रो आपको बता देती हूँ, जो नियर बाई मेट्रो पड़ता है वो है दिल्ली हाट। दिल्ली हाट से जब मेट्रो से उतरोगे, वहाँ से आप ऑटो पकड़ोगे तो 50 रुपये में आपको यहाँ छोड़ देगा। दूसरा मेट्रो स्टेशन बता देती हूँ, जोरबाग है, वहाँ से भी आप ऑटो रिक्शा पकड़ सकते हैं और उनको बोल देना आप कि आपको संजय लेक जाना है, आपको यहाँ छोड़ देगा ऑटो वाला। अब आप पीछे भी आपने बोर्ड देख लिया होगा। हाँ जी, ये है फ़ोटोशूट कॉम्पिटिशन हुआ था यहाँ पर, हुआ था 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, पर अभी नहीं है। इस पार्क में एक्सरसाइज करने की मशीन है, जी हाँ जी, एक्सरसाइज करने की मशीन आप मेरे पीछे देखेंगे क्या। अब आप ये सोच रहे होंगे लेक में पानी नहीं है, अरे मैं बताती हूँ, रुको, मेरी एक फ्रेंड है हाथी सी, बहुत मोटी है, मुझे लगता है उन्होंने यहाँ का पानी पिया है। की धूप है, कड़क धूप हो रही है, और फोटो शूट के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। और यहाँ मुझे मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, फ्लावर देखेंगे आप, कलरफुल फ्लावर्स है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। आपने तो मुझसे पूछा नहीं ये पार्क किसके लिए है, मैं बताती हूँ, रुको, ये पार्क फैमिली के लिए भी है और कपल्स के लिए भी है। तो ये पार्क वाकई में बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। आप भी आइए यहाँ पर, इंजॉय कीजिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, फ़ोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छा है। सोच रहे होंगे कि इधर पानी कैसे आ गया, रुकिए मैं बताती हूँ। देखिए बीच में से दीवार बनी पड़ी है, इधर सूखा है पूरा और इस साइड पूरा पानी है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है और ये सब इधर लोग रखे, इधर गंदा हो रहा है पानी, शायद साफ़ कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हूँ मैं, तो यहाँ हूँ, रुको, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ की एंट्री फ्री है कि नहीं, एंट्री बिल्कुल फ्री है। क्या फ्री है? हाँ जी बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आइए, गर्लफ्रेंड के साथ आइए, फैमिली के साथ आइए, इंजॉय कीजिए। और मैं रियलिटी बताऊँ, मुझे यहाँ फैमिली भी दिख रही है, एक साइड ऐसे तो कहीं साइड में बना हुआ है ना, इस साइड से चेयर लगे हुए हैं ऐसे, तो इस साइड कपल बैठे हैं और उस साइड फैमिली बैठी हुई है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आइए आराम से इंजॉय कीजिए यार, पूरा दिन अच्छा जाएगा आपका। जैसे मैंने आपको कहा था
कि इस पार्क में आपको कपल्स भी दिखेंगे, तो आप मेरे पीछे देखोगे कपल्स दिख रहे हैं। हाँ जी, इस पार्क में कपल्स भी आपको मिल जाएंगे। ओहो ओहो, घना जंगल। ओहो, अरे रुको रुको रुको, अब मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा करके क्यों बैठी हूँ। बताती हूँ, मुझे बैठने तो दीजिए। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ, मुझे पर्सनली कमेंट आया था, मेरे से ये पूछ रहे थे कि मैम हमें अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना है, हमारे पैसे भी इतने ना खर्च हो और आराम से हमें वो एरिया पसंद भी आ जाए, मेरी गर्लफ्रेंड खुश भी हो जाए। मैं आपको बताती हूँ, संजय लेक है, ये है दिल्ली हाट के पास, मतलब उसके पास में ही पड़ता है ये, और ये वाकई में बहुत अच्छा है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आइए, सच में बहुत अच्छा है, मैं मजाक नहीं कर रही, एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिए। और आप अगर आते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और यहाँ पर आते भी इवन फ़ोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छा है और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने आपको जैसे बताया था कि इस पार्क में कपल्स भी हैं और ये पार्क कपल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ जी हाँ, अच्छा है बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई और गलती से किसी का फेस आ गया होगा, भाई बहनों, तो उसके लिए सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं लिया, आ गया होगा तो उसके लिए सॉरी अगर आ गया होगा तो। मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ कि टाइमिंग क्या है इसकी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये पार्क खुला रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ये हमेशा ओपन रहता है, कभी बंद नहीं रहता ये पार्क। और मुझे याद आया, मेरी सहेली खो गई थी यहाँ, मेरी फ्रेंड गुम हो गई थी। अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही, मेरी फ्रेंड खो गई थी यहाँ पर, पूछो कौन है वो, बताती हूँ वो चींटी है। क्या क्या? हाँ जी, और झूले भी हैं बच्चों के लिए, जैसे मैं छोटा सा बच्चा हो गया और भी मेरे से छोटे बच्चे हो गए, उनके लिए झूले हैं। अरे यार, यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, यहाँ तू बैठी है, तेरी गर्लफ्रेंड बैठे, दूसरे की वीडियो बनाओ, शूट करो यार। आप क्या करो? ताना भूल गई, मैं अपने बचपन की सहेली के साथ झूला झूल रही हूँ यार, आप भी और अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रहे यार, ये देखो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ झूल रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यार, मेरी स्माइल से पता चल रही है यार, और भी तो सब बढ़िया बढ़िया है ना। अरे बोले रे, शर्मा रहे यार, एक्चुअली मेरी हाइट बढ़ गई और ये छोटे रह गए, मैंने कॉम्प्लेन किया ना इसलिए मेरी हाइट बढ़ गई, पर ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे ज़्यादा ये रेड वाली है उसकी। जैसे कि आपने देखा, दो गेट था, हम एक गेट से घुसे थे, दूसरे गेट में भी पार्किंग बिल्कुल फ्री है, इधर बच्चों के खिलौने वगैरह भी मिल रहे हैं, इधर आइसक्रीम वगैरह मिल रही है, बाहर निकलोगे तो ना खाने वाने का कुछ नहीं मिलेगा, जैसे आइसक्रीम वगैरह ही मिल सकती है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयरिंग करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयरिंग करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे लिंक मैं डाल दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, मेरी तरह मस्त मौला रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।